बारात आए, शब्द का मान रात, बारात का नाम छुटकारा, समझते हम गुनाह से छुटकारे की रात है। आज 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 रात अल्लाह पाक ने हम सबको यह रात मिली है। हमारे साथ बहुत से लोग थे, आज वो दुनिया में नहीं, आज रात नहीं है यह रात। इसलिए भाई वजल भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वह रात भर शबे बरात की नमाज पढ़ते रहे, जो जो दुआएं जो जो याद है दुआएं करते रहे, अल्लाह एक मौका इनायत फरमाई, इंशाल्लाह आइंदा भी अल्लाह देंगे। किसे मालूम कुछ कम सर सवाल मुश्किल है, ये समझना कि मेरी आखिरी शबरात होगी, समझ कर नमाज पढ़े। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। ये ऐसी उम्मत है जिसमें अल्लाह ने पै और ख्वाहिश की उम्मत मुहम्मदिया के लिए, और अल्लाह ने पैगंबर अल्लाह की ख्वाहिश नहीं फिरी थी, अल्लाह ने हम सबको उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, जिसका हम सिद्दा रसूल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बिना शैतान रजे फसल के सुना रहा है रहमत रसूल या रसूल या करीम अम्मा बात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजिर है कहा मेरी आवाज सुनने वाले प्रदर्शन खवाती बच्चों और अल्लाह के लाख नए बंदो जो अल्लाह के घर बैठे, आज सब हम सब खुदा ने करीम के फजल करम से और खुशी से आवाज से इस अजीम उल शान बाबरकत शबे बरात बनाने के लिए जवाब है। हमारे खुशबश में देखा अल्लाह तआला ने हमें यह रात इस हालत में अता फरमाई, हम बिल्कुल सही हालत ठीक है। ना जाने कितने ऐसे बाल गए जिनके दिल में आग जो कपा ना हो, काश हो भी हम इसके साथ मस्जिद जाकर तशरीफ करें, मगर इस रात में अल्लाह तआला सब लोगों का सब गुनाह को माफी कराए, मगर वह मस्जिद तक आ ना सके, कुछ बीमारी वगैरह से कुछ दोस्ती मशगूलात कर सके। लाइक हमारे बड़ा गुनाह का एहसान है हम सब यहाँ पर आ गए। आज रहेगा शाबाश की पंद्रह रात को समय बरात कर दी, शब का माना रात, रात का माना छुटकारे की रात, अरे बरात का माना छुटकारा है। आज की रात खुदा ने खुद अपने मुकद्दस कुरान शरीफ को नाजिल फरमाने का इरादा किया, अरे आज की रात खुदा ने करीब ने अपने मुकद्दस किताब कुरान करीम को नाजिल फरमाने का इरादा किया और फैसला किया, और कुरान और रोशनी पे रात बड़ी आमद करते। आज की रात अल्लाह तआला और आसमान की दुनिया पर जलवा अफरोज होते, अल्लाह सुभान अल्लाह की रहमत से दरवाजे खोल दिया थे, अपने तकलिया आसमान की दुनिया पर ताजे फरमा दे। ये रात रहमत और इनामत की रात है, आज की रात जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिया थे। हमारे परवर आज की रात अपने बंदों से बोलते है, कोई मफरत चाहने वाला भाई उसके मफरत करो, है कोई माफी चाहने वाला भाई उसको माफी करो, है कोई रोजी मांग रहा भाई रोजी दो, है कोई इज्जत की तय करने की रात है आज की रात, इज्जत की तय करने की रात है आज की रात। तमाम बंदे बजे बुलाए की माफ की रात है, यानी तमाम गुनाहों की बंदे की माफी की रात है आज की रात। बंदे और बजे की जिलत सादत बीमारी सेहत बहुत हयात गुरु कामयाबी नाकामयाबी तरक्की तरक्की पैदा शराब फसले हमारे परोदिवार फिर से सवाल करते हैं, आज की रात बहुत खास था अल्लाह पाक तो फिर सवाल है। आज की रात आएगा चाहे पाता दया तक बहुत अब जिले का फैसला खुदा ने कहे बल पर बहुत कवर करते। आज की रात दरखास्त अल्लाह पाक को उद्योग पेश करने की रात है, दुनिया एक होटल के रूप में सराय की तरह है, जिसे पता चल रहा मुसाफिर पर रहता उसे तो सारी जिंदगी जब तो फिरदौस कर रहा है। खुदा कभी अपने बंदों को अपने बंदों को उसी ध्यान के लिए दुनिया पर भेजे हैं। हाजिर है कहा जो मेरी आवाज सुन रहे हो सबको खुदा का शुरू का शुक्र खुदा के करीब का शुक्र अदा करना चाहिए, और सब हमको ईमान वाले घर में भेजा गए। अभी हुजूर करम आका रामदा ताका मदीना सैयद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में भेजा गया, फरमा लिया हमारे बंदे खुशी से रात का काम आज की रात फैसले की रात है। अब सबको खूब कसरत से नमाज और नाफिल पढ़े, कुरान शरीफ तिलावत करें, तस्बीह करें, दरूद शरीफ पढ़े, जिक्र अज़कार पढ़े, ये काबा कनिवस है। आज की रात सलात और तस्बीह की नमाज पढ़े, सलात और तस्बीह की नमाज मालूम नहीं तो पूछ लीजिए। आज की रात ये कैसे शरीफ हमारे परवरदिगार की खुशनुदी के लिए पढ़े, जो नहीं आता
जो पढ़ रहे उसके बाद पढ़कर सुन लीजिए। यासीन शरीफ, ये यासीन शरीफ उमर दार की तरह उमर बरकत के पढ़े। यह यासीन शरीफ रिजम की खुदाई की देख है, प्यारे खारे का रिजम का शामिल पढ़े। ये यासीन शरीफ बलाया जो हर दिन बलाया था उस वाफिस के रहने पढ़े। आज की रात कब्रस्तान को गए, कब्रस्तान जाने से बहुत ताजा थे दिल लगन पड़ता है। कब्रस्तान जाकर रिश्तेदारों को पूरे खबर और सलाम भेजकर उनके लिए दुआ का फर्ज करें। भाई आपके आज से परवरदिगार को हाजिर और महाराज के राज है, जाने हाजिर और महाराज के राज है जिनका रोजा रहे। मेरे आका सैयद आदम मोहसिन ने फरमाया, भाई खबर रजा रोजा दार नेको तरफ की शाफत ऐसा होता है, यानी भाई रमजान का रोजा दार नेकियों की दरख्तों की शाफत की तरह ऐसा होता है। और अल्लाह पाक हमें बदलने की बकरियों के दरबारों के दरबार में ज्यादा लोगों को बख्शीश फरमा दी। सोए मुशरिक के यानी जो शिर्क का पहला हाइक से नहीं उसे नहीं हरगिज नहीं बस रखा रखा तक जाने वाले जना फरमान शाह में जब तक वो सच्ची जोबा ना करे, जब तक सच्ची जोबा ना करे तक अल्लाह तआला कभी माफ नहीं है। अरे अल्लाह हम गुनाहों में दलदल फंस गए, हमारे अंदर गुनाहों में दलदल में फंसा हुआ शख्स खुद नहीं उतरता, इसलिए आए हमारे परवरदिगार हमारे रब हमारे अल्लाह आप हिदायत की रस्सी डाल कर हमको गुलाम के दलदल से खींच लीजिए और हिदायत की रस्सी पर लगा दीजिए। अल्लाह आप कुरान शरीफ में नमाज करते हैं सबसे ज्यादा कर, यानी 700 मरतबा कुरान शरीफ में नमाज का जिक्र है। आए हम वायदा कर रहे हैं हमारी बाकी और जिंदगी नमाजी वाली जिंदगी बना दे आमीन। सुबह में बुजुर्गान बुजुर्गान जी के मामला बुजुर्गान भी है बहुत इबादत से बसर क्या करते हैं, यानी हमारे बुजुर्गान जो है ये रात बहुत बसर करते। सैयद सैयद लुफान बिन आमिर और दिगर बुजुर्ग बुजुर्ग ने शाबाश पंद्रह रात को अच्छा लिबास पहनते खुशबू लगाते फरमा लगा सुबह लगाते रात को मस्जिद जमा कर सारी रात नमाज पढ़कर सुबह की नमाज पढ़ जाते। इसी तरह हजरत सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज शब बरात इबादत मसरूर रहा करते। अल्लाह तआला सबको इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन। आए हमारे परवरदिगार आए हमारे खालिक आप की मखलूक है हम हमको रब फरमाए। आए हमारे रब हमारे माँ बाप पर हाजिर कान पर माँ बाप पर जो मेरे आवाज सुने उनके माँ बाप पर जो आपके पहुंच चुके उनके माँ बाप पर उनके तमाम जुमला गुनाहों के अपने फजल व करम से खुशी इस राह से तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और जिन्नत फरदौस में आरा सलाना मुकाम दिया हुआ उनकी खबरों का जन्नत के महाक बना ले। अय अल्लाह अय अल्लाह सुभान अल्लाह हम सब कामत के होलनाक दिल से जहां के दर्दनाक अजाब से जहन्नम के दर्दनाक अजाब से बचा ले, हमारे गुनाहों को नके में बदल दे। हमारे परवरदिगार या रहमान या रहीम या सत्तार या गफ्फार या रब्बे काबा या अरशे औला जितने भी बेनका रब्बे निगाह लखिया भेजे उन सबको खैर से देख और साले जोड़ा सी पड़े। हम हर रोज खबर के नजदीक जा रहा हूँ, हमारे उम्र हर दिन घट रही है, नमाज को ख्याल रखने के वक्त पर नमाज अदा करना रिश्तेदार और दोस्तों को नमाज में तौफीक करें। दुआ करें परवरदिगार हम सबको ता क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जिंदगी का सफर ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बहुत नसीब हो। परवरदिगार हम सबको चैन रात अमन सुकून की जिंदगी अदा फरमाए, क़यामत के वो लाख दिन अच्छा बोला का सहाय नसीब फरमाए। कोई परवरदिगार है परवरदिगार है भी आप कभी और हमारा आका सैयद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आगे दोस्त नसीब और मेरे अल्लाह आका ने शुक्र नसीब फरमाया। अल्लाह हमको बहुत की सख्ती से सबर के अजाब से उनके नकीन के सामान जो हमारी मदद फरमाए। हमारे परवरदिगार आपकी मोहब्बत हमारे दिल और रूह पर भर दीजिए। हजरत खदीजा ने हजरत सर फरमाया, हुजूर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे सामान में सवाल उनका नहीं मिले, मुझे ना नकीर आए तो सवाल जवाब हुजूर फरमाया भाई दूंगा। समस्या जब हुजूर की भी इंतजार का घर तक चली जा तो हुजूर की भी कुछ नहीं समझ में सवाल जवाब कौन दे दे सुन लीजिए। फिर हजरत खालिया का इंतजार होगा, हुजूर हजरत खालिया का बस समय के बाद बैठे बैठे अनाज पर हजरत आज का निवेश को प्रदान करते बैठे पूछ के आ जाओ मेरे मालूम क्यों बैठे कमर के पास। हजरत खालिया का होगा हजरत जिंदा से पूछा तो हुजूर ने कहा होगा भाई ये खदीजा के सवाल का जवाब देने के लिए बैठा। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील मेरे महबूब बोले देख तुम घर जाओ घर चले जाओ खदीजा का जवाब मैं खुद दिया मैं अल्लाह खुद खदीजा का जवाब दे दिया।
इसलिए मेरे भाइयों आज की रात है, गनीमत जाना आएगा क्या होगा किसी को मालूम नहीं, कोई नौजवान नहीं चला, कोई बच्चा नहीं चला, कोई बूढ़े नहीं चलाएगा, कोई स्पेस वाला नहीं समाज चलेगा। इसलिए नमाज की तरसील है, नमाज पढ़ो सुबह सुबह तक, नमाज मस्जिद खुले थे आपके नमाज खुले रहेगा पूरा आराम से चलते थे, आप सुबह की नमाज पढ़ लेके आराम से घर को जा सकते। एक मौका अल्लाह ने मौका इस्तेमाल करो, मौके की गनीमत समझो और घर के से बनाओ, चाय पे होना तो चाय बना के दिन जिसके बना क्या होना खा लीजिए, मगर सुबह तक घर पर नमाज पढ़ो। शुक्रिया अल्लाह ये पढ़ो इन दुआओं की सवाब था। एक बात करो अल्लाह मसल पर अल्लाह के लिए रबी वाले को रहमान रही भाई को हुई या का तो वलिया का सही रिश्ते सवाब और सफल सवाब रजी अल्लाह ताला बैर मसूर अली व सवालिम अल्लाह वफर रसूल का शफीया मौला रहमान या अल्लाह कयूम बिरहमत या कतेब ला इलाहा इल्ला अंत सुभान का जो कुतुब के द्वारे अस्कुल अल्लाह व की व रजी ली व वला अदब से आज और भाई जो शाद और रहमान रही तेज जो बंदा का शाह तेज जो बंदा शाह बे देखा और अल्लाह बोले शाही ये यो या पाक पर दिया हम बोले गा के फटा का रे बोले गा का करते करते थक गए अलावा हम गुलाम के दर फंस गए अलावा बसा हजार कब दे और आप अपने इधर कैसे दाल के खींच लीजिए अब वो काबिल है पाक पर दिया हमारे गुलाम पाक पर है बाकी आज से देगी आपके हवा चले बाकी आज से आपका आकाश है बाकी आज आकाश है या अल्लाह हमारे दुआ कबूल कर जो मांगा गया वो लाफा जो मांगने से रह गया जो मांगा बदले मांगा दे दिया दे दीजिए पाक पर वही सारी दुआएं करे तो हो सकता नहीं इसलिए आप भी सीधे में जाकर खुद दुआएं मांगे जितना दुआ करना था मैं दुआ कर दिया और खुद आप भी दुआएं में जाए आज रात के बाद अल्लाह दुआ में फूल फूल करते क्या क्या तकलीफ है क्या क्या आपको अच्छा होता है सब पूछ विराम दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।